नमस्कार, अभी तो हम जवा हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रही, हमारा प्रोग्राम का नाम है अभी तो हम जवा हैं। इस कार्यक्रम के तहत आज हम ऐसी हस्ती से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, किस तरह से हम अपने बालों की केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं और डेली रूटीन में हमें अपनी स्किन के लिए क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए, उसके लिए खासतौर पर आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है सुनिधि बड़ियाल को। इनके बारे में पहले जरूर बताना चाहूंगी, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, सीरियल्स की बात करते हैं, तो वहां पर कई सालों से इन्होंने वहां पर अपना जो ये काम किया है एज ए आर्टिस्ट, ब्यूटी आर्टिस्ट वहां पे काम किया है और इतना बखूबी काम निभाया कि हर देखने वाला कहता अभी तो हम जवा हैं। तो बिल्कुल हमारे करीब सुनिधि बड़ियाल हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सुनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और लगना भी चाहिए क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है और ब्यूटी से जुड़ी बात हो और सुनिधि का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुनिधि जी, ये बताइए, आप जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही, सीरियल्स भी बहुत सारे किए, बहुत मेकअप किया, अपना सफर थोड़ा सा साझा कीजिए और उसके बाद हम आते हैं ब्यूटी टिप्स की तरफ। इस लाइन में तो मैं पिछले 15 साल हो ही गए हैं, 15 साल से पहले ट्रेनिंग चली है, उसके बाद पहले तो रही हूँ आर्टिस्ट ही, छोटी मोटी आर्टिस्ट थी, लगा कि इसमें तो फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा है, तो आने वाला दौर पता नहीं कैसा होगा, तो फिर मेरी ट्रेनिंग हुई है VLCC से, उसके बाद मैं जलंधर चली गई, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हुई है, उसके बाद मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एंटर कर लिया, तो 15 साल मैंने वहीं पे निकाले अपने। देखिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो जब जितने भी आर्टिस्ट से मैं मिली हूँ, ज्यादा से तो नहीं मिली, मतलब आप लोगों से भी रूबरू बहुत बार हुई, तो उसमें मैंने देखा कि कई बार हम वैसे बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन ब्यूटी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन जब कैमरे के एंगल से देखा जाए तो वो इतने ज्यादा खूबसूरत नजर नहीं आते, लेकिन आप ऐसा क्या ब्रश यूज करती हैं, क्या जादू करती हैं कि बिल्कुल जो हमें देखना चाहते हैं वही चीज हमें दिखती है? जी जी, वही मेकअप ही होता है उसका जी। और जो मतलब उसमें करेक्टर जैसे हमें दिखाना होता है उसी हिसाब से हमें मेकअप करना पड़ता है, तो जैसे विलन हो तो उसका मतलब किस तरह से मेकअप करेंगे? विलन को विलन के जैसे दिखा रहा है, उनकी आंखों का रोब ऐसा दिखाना पड़ता है कि उन्हें फिर वैसा हमें लाली देनी पड़ती है, थोड़ा सा काजल वाजल लगा के मतलब ऐसे आंखें उनकी डर लगना चाहिए, वैसा बस दिखाना। तो कभी हीरो हीरोइन का करना हो तो मतलब किस तरह से? उनका भी हीरोइन है तो ऑब्वियसली ग्लैम होगा तो उनको तो वैसे ही दिखाना पड़ता है, और हीरो तो फिर हीरो ही है। हीरो तो हीरो ही है। जी, तो कभी ऐसा भी हुआ मेकअप में आर्टिस्ट ने कहा होगा नहीं आप हमारी मर्जी से मेकअप कीजिए, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा सुनिधि पे डाल देते हैं ऐसा? जी, वो उसमें सारा हमारा ही रहता है क्योंकि हमें पता होता है कि ये कंसेप्ट क्या है, कैसे इनको ये दिखाना है, तो वो आर्टिस्ट का अपना काम उनका डायलॉग पे होता है, हमारा काम उनकी ब्यूटी और उनको पूरा मेंटेन रखना। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने सब अपना बोझ आप पे डाल दिया था कि अब हम कैसे लगने वाले हैं ये आप यहाँ जो है। तो देखिए सुनिधि, आपका अपना इससे पहले की ब्यूटी टिप्स के बारे में बताएं, क्या हमें यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए अपनी स्किन के हिसाब से, तो आप जैसे आपका सैलून भी है उसके बारे में बताइए, वहाँ क्या क्या मतलब थेरेपी? सैलून में हमारे हेयर ट्रीटमेंट है। नाम बताइए सैलून का। जी, हमारे सैलून का नाम है न्यू स्पेक्ट्रम, कहाँ पे? गांधीनगर अप्सरा रोड पे, और वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट भी रखे हैं, अभी मेकअप भी तो चल ही रहे हैं, अभी मेकअप में भी काफ़ी कुछ एडवांस में आ चुका है, और स्किन की ट्रीटमेंट काफ़ी हैं, जैसे किसी को एक्ने है, पिगमेंटेशन है, और एंटी रिंकल्स, आपको पता ही आजकल प्री मेच्योर स्किन हो जा रही है, छोटी छोटी एज में ही मतलब लोगों की स्किन ड्राई हो रही है, मेच्योर हो रही है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे अभी न्यू जनरेशन है जो वो आना चाहती है इस फील्ड में, तो आपके पास भी तो बहुत सारे लड़कियां या लड़के सीखने आते होंगे? जी, हमारे पास सीखने भी आ रहे हैं, और अभी आज के रेट में तो काफी सारा मतलब बच्चों को इसमें ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट है आ चुका इस फील्ड में, तो वैसे भी आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, यहाँ तो जितना आगे जाते हैं हम उतना हमें लगता है कि हमने अभी कुछ सीखा ही नहीं है, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं अभी हमारे पास। देखिए, अगर आपके पास लोग आना चाहते हैं, आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपसे?
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है वो हम हमारे अभी दिखा यही दिखाना पड़ेगा कोई नहीं हम स्क्रीन के नीचे दे देंगे आपको याद हाँ, बता स्क्रीन पे आप दे दीजिए वैसे नंबर भी होगा और सलून का नाम भी हम उस पे मेंशन कर देंगे जी बता देंगे बिल्कुल अच्छा अब आते हैं ब्यूटी टिप्स की तरफ देखिए अभी तो हम जवां हैं जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है और नाम इतना ज्यादा खूबसूरत है मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो हमारे एडिटर इन चीफ है ना आदर्श पाल गुप्ता जी मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि क्या प्रोग्राम का नाम होना चाहिए कभी मैं बात करूं कि सौंदर्य पे होना चाहिए ब्यूटी टिप्स होना चाहिए कहते नहीं ये एक अलग चीज है और एक हटके नाम होना चाहिए और एकदम उनके दिमाग में ये स्ट्राइक हुआ कि अभी तो हम जवां हैं हमने सब जितनी पूरी टीम बैठी थी हमारे कैमरामैन थे लाइट्समैन थे सबके दिमाग में एकदम बात आ गई अरे वाओ ये तो सबसे अच्छा नाम है ये तो हर कोई होना बोलेगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि हम अभी बूढ़े हो रहे हैं हम तो यही कहेंगे अभी तो हम जवान हैं बिल्कुल अभी तो हम जवान हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हंसते रहे मुस्कुराते रहे और हमेशा यंग दिखें और खासतौर लेडीज पे ये बात होती है लागू होती है क्योंकि लेडीज हमेशा चाहती है कि वो टिप टॉप रहे और स्मार्ट दिखे हाँ तो इस पे जेंट्स लोग बुरा मत मानेगा मैं लेडीज की बात सुना रही हूँ वैसे जेंट्स भी अपने आप को मेंटेन जरूर रखते हैं सुनिधि जी आप ये बताइए कि हमारी अलग अलग तरह की स्किन है जैसे किसी की ड्राई स्किन है मैं अपनी स्किन की बात करती हूँ मेरी स्किन काफी ड्राई है और रोज तो हम सैलून नहीं जा सकते ना अब घर में हमें अपने आप को अगर रोज क्या लगाना चाहिए अगर ड्राई स्किन है तो अगर ऑयली स्किन है तो हमें क्या यूज करना चाहिए ये हमारे दर्शकों को बताइएगा जी एक्चुअली डेली केयर बहुत जरूरी है स्किन के लिए और डेली के लिए एक तो डेली आप सुबह निकल रहे हो शाम को आ रहे हो तो दो टाइम आपको CTM करना चाहिए CTM का मतलब ये है क्लिंजिंग और मॉइस्चराइजिंग ये बहुत जरूरी है और कौन से वाला मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए ड्राई स्किन के लिए कौन सा होना चाहिए और ऑयली स्किन के लिए उसके लिए हम क्लाइंट जैसे हमारे पास आते हैं हम उनको डेली केयर के लिए भी समझाते हैं और वो करनी पड़ती है उनको सिर्फ मंथली फेशियल लेने से स्किन मेंटेन नहीं होती है उसको आप उसके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका कोई फायदा नहीं फिर महीने में करवाने का वो आपको डेली के डेली केयर करनी ही पड़ेगी जैसे आप रात को सोते हैं तो मतलब सोने से पहले हमें क्या करना है अपनी स्किन के लिए एक तो अच्छे से फेस वॉश कीजिए किसी अकॉर्डिंग स्किन नहीं किसी से नहीं उनको बताया जाता है फिर ऐसे हर किसी की स्किन डिफरेंट है तो सब पे तो एक ही चीज जाएगी नहीं तो जब वो हमारे पास आते हैं जब हम उनको पूरा बताते हैं कि आपको डेली केयर कैसे करनी है और प्रोडक्ट भी बताते हैं आपको कौन से यूज करने चाहिए देखिए कोई आपके पास आएगा आप बताएंगे लेकिन आप इस समय हमारे स्टूडियोज में थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या यूज करें अपनी स्किन आजकल तो सारे अवेयर हैं अपनी स्किन को लेके आजकल ऐसा है नहीं कि किसी को पहले होता था किसी को पता ही नहीं हमारा क्या चल रहा है लेकिन आजकल सबको पता है हमारी स्किन कैसी है तो उसी के अकॉर्डिंगली आप पहले तो क्लिंजिंग कर रही है सुबह क्लिंजिंग के बाद टोनिंग करनी है सुबह उठने से पहले मुंह धोने के बाद कह रहे हो कि पहले क्लिंजिंग जब आप सुबह उठ रहे हो नहाना धोना हो जाता है उसी टाइम आपकी एक बारी हो जाती है कहाँ इतना टाइम है बेचारे बार बार करते रहेंगे जी। एक बार जब सुबह रेडी होते हैं तो एक ही बार रेडी होकर निकलना होता है सारे आजकल वर्किंग है इतना टाइम है ही नहीं क्लिंजिंग करके उसके बाद टोनिंग कर दो और मॉइस्चराइजिंग अच्छा सा मॉइस्चर लगा के अगर आप कहीं धूप में निकलते हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं अपने हाथ पैर में भी लगाएं जो पोर्शन आपका ओपन रहता है उसको आप कवर कर सकते हैं और फेस को तो सनस्क्रीन लगानी जरूरी है अगर आप धूप में निकलते हैं तो ड्राई स्किन हो या ऑयली दोनों को लगाना चाहिए बिल्कुल सनस्क्रीन आप लगा देखिए एक क्रीम लगाने के या कोई भी चीज मुंह को लगाने के एक तरीका होता है आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हाथों से करके दिखाएं कि हमें अपर लिफ्ट करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए किस तरह सर्कुलर में करना चाहिए क्रीम का जैसे भी आप कोई क्रीम लेते हो तो कभी भी स्किन को नीचे की तरफ डाउन मत खींचो जब भी करना है तो अपलिफ्ट होना चाहिए स्किन को अपलिफ्ट क्रीम की एप्लीकेशन ऐसे ही होनी चाहिए ये अगर आप नीचे की तरफ करते हैं तो स्किन लटक जाती है नीचे आ जाती है देखिए आंखों के पास भी अगर करनी हो तो किस तरह से क्योंकि नाजुक जगह होती है तरफ से ये होता है ये जी ये आप कम से कम 10 times करो डेली आप नाइट में भी आप ये चीज करो और हो सके तो रात को आप एक इतना स्ट्रेस होता है आज की डेट में किसी को ऑफिस का स्ट्रेस किसी को घर का नींद शाम को नहीं आती है रात को जब भी आप सोते हो एक तो यहाँ तो रोज वाटर ले लीजिए और एक कॉटन पैड बना के उसको आइस पे आप रख के 15-20 minutes के लिए रखें तो आपको नींद अच्छे से आएगी और आपके डार्क सर्कल भी
कम हो जाएंगे, मतलब रोज का जो वाटर, रोज वाटर डेली, हाँ, रोज वाटर भी ले सकते हैं, कुकम्बर जूस ले सकते हैं, वो ऑल स्किन टाइप होता है, वो हर किसी के स्किन पे जाता है और उससे जो ठंडक हमारी आईज को मिलती है, एक तो आंखें खूबसूरत होती हैं और डार्क सर्कल भी रिमूव हो जाते हैं। तो देखो अगर किसी को रोज वाटर भी नहीं मिल पाता, कई बार हमारे पास नहीं होती है चीजें, घर में हर चीज़, तो हम ऐसा कर सकते हैं खीरा जिसे कुकुम्बर बोल रहे हैं तो काट के अगर वही रख लें नेचुरल, अगर उसको पल्प निकालते हैं ना, उसका जूस निकाल के वो उसमें डिप कर दो आप कॉटन, वो ज्यादा बेटर, वो ज्यादा अच्छे से लग जाता है क्योंकि कई बार वो स्लाइसिस में वो निकल के नहीं आता है जी, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए अभी आप स्किन के बारे में हमें बताया, हम हेयर थेरेपी कैसी होती है वो भी जरूर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद फिर आएंगे अभी तो हम जवा है कार्यक्रम की तरफ। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत कार्यक्रम अभी तो हम जवा हैं, और बिल्कुल हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज इसके तहत हमने अपने स्टूडियोज में ब्यूटी थेरेपिस्ट सुनिधि बड़ियाल को दावत दी है, उन्होंने स्किन ट्रीटमेंट के बारे में बताया। तो चलिए अब जानते हैं हेयर थेरेपी क्या है, किस तरह से हम अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। सुनिधि जी ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका कार्यक्रम में, और अब एक बार बालों की बात करते हैं, अपने हेयर की बात करते हैं। देखिए कहते हैं खूबसूरत चेहरा हो और उसके साथ खूबसूरत बाल हो, तो मतलब हेयर हो तो ज्यादा खूबसूरत लगता है इंसान। तो आप बताइए कि इसके लिए किस तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जैसे आजकल स्पा भी करवाते हैं लोग और उसके अलावा कलर भी करवाते हैं बालों को, तो मतलब करवाना चाहिए कि नहीं, वैसे आपने भी करवाया होगा, करवाना चाहिए कि नहीं? नहीं, करवाना चाहिए, जरूर करवाएं, क्योंकि फैशन की दुनिया है तो हर किसी का दिल करता है कि हम भी फैशन करें, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और लेडीज के लिए तो वैसे भी ये सब बनी ही नहीं के लिए है, तो करवाएं ना तो ये बात बनती नहीं है। तो करवाओ, एक तो डेली का ये है इसका कि हेयर को आप अच्छे से जब धोते हैं, एक तो आज सर्दी है लोग गर्म पानी डाल देते हैं, गर्म पानी से कभी मत धो, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल पानी, उससे धो सकते हैं आप, गर्म पानी कभी यूज ना करें क्योंकि उससे हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस आ जाती है और उसी से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ऑयलिंग प्रॉपर कीजिए, ऑयलिंग बहुत जरूरी है, धुले हुए बालों में करें तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें चिपचिपे बाल हो जाते हैं ना, तो फिर नहीं, उसको लगा के रखो मत, उसको एक घंटे के बाद आप वॉश कर दो। कभी भी ऑयल को एकदम परमानेंट लगा के मत रखिए, उसमें भी हमारे बालों में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसी में स्वेटिंग आती है, ऑयल लगा हुआ है, उसी स्वेटिंग की जब अंदर इन्फेक्शन होती है उसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये बात तो मुझे भी आज तक नहीं पता थी कि बालों को हमेशा तेल लगा के नहीं रखना, क्योंकि बाकी स्वेटिंग होती है और खारिश भी होती है, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा, उससे प्रॉब्लम होती है। तो मतलब लगा के एक घंटे बाद दो देना चाहिए। तो कोई खास ऑयल जो हमें अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहिए या वही देसी वाला ऑयल? आजकल नेचुरल तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन हमारे पास नेचुरल भी हमने रखा है जिससे आप ऑयलिंग अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपके थोड़े बहुत ग्रे हो ही रहे हैं आजकल, छोटी छोटी एज में ही सबके हो रहे हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पहले से ही अपना ध्यान रखेंगे तो हो सकता है हम कम कर सकते हैं। उसमें हर्बल चीजें भी हैं जो हम बताते हैं लोगों को, अपने घरों पे आप लगाएं, जरूर, जरूरी नहीं है हमारे पास, हर कोई तो नहीं आ सकता, जी, सब नहीं आ सकता, तो आप घर पे ही अपना ध्यान रख सकते हैं। तो सुनीति जी ये बताइए कि जैसे स्पा भी करवाते हैं लोग बालों को, तो मतलब कितनी देर में करवाना चाहिए, उसके बाद क्या ड्राई करवाना चाहिए? कम से कम आजकल हेयर लोगों के बहुत ड्राई हो रहे हैं, एक तो केमिकल भी यूज हो रहा है, फिर बाइक में, हवा में, बाहर हम घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, तो बालों पे बहुत ज्यादा इस टाइम नुकसान हो रहा है लोगों के। तो स्पा कम से कम 15 दिन में तो लेना चाहिए, जरूरी है, और डेली का डेली जो आपकी केयर है वो भी आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, जैसे हम स्किन की करते हैं, अगर वो कर ले तो बहुत अच्छे हो सकते हैं हेयर। तो देखिए हम सब चाहते हैं कि हम इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खूबसूरत दिखे। तो चलते चलते आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनीति जी कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैसेज तो यही है कि अपना अच्छे से ख्याल रखें, डाइट प्रॉपर लें,
और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा खूबसूरत करें। अभी तो हम जवान हैं। जी वाकई अभी तो हम जवान हैं। और वाकई जैसे सुनिधि जी आपने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, अरे अपने आप को मेंटेन रखिए क्योंकि अभी तो हम जवान हैं। और इस कार्यक्रम के तहत ब्यूटी हम तो 80 साल में भी बूढ़े नहीं होने वाले, सीधी सी बात, हम तो अभी जवान हैं। जी बिल्कुल। और बिल्कुल इंसान को क्यों बूढ़े दिखना, अरे हमारी जो सोच होती है ना वो बूढ़ी हो सकती है, लेकिन जो हमारा मन है, दिल है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और हमारी स्किन बूढ़ी ना हो इसके लिए सुनीति है और हमारी ब्यूटी थेरेपिस्ट है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर इनका नंबर हम दे देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कहीं भी, मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं के सैलून में चाहिए, अगर आप कहीं और भी जाते हैं तो मतलब ध्यान रखिएगा अपनी स्किन का और अपने बालों का। आप लाइव भी हमें पूछ सकते हैं, जैसे हम फेसबुक पे भी, मेरा सुनीति बड़ियाल के नाम से पेज है और हमारे सलोन के नाम से भी है। आप कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो ब्यूटी को लेके तो एनी टाइम पूछ सकते हैं। अरे अब तो दूर जाने की जरूरत नहीं, इनका पेज भी है सुनीति बड़ियाल के नाम से, आप लाइव भी इनके पास जा सकते हैं और अपनी ब्यूटी के बारे में जान सकते हैं। और बिल्कुल हमें अपनी केयर करनी है और सबको बहुत खूबसूरत देखना है। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अभी तो हम जवान हैं कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत दीजिएगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, इस प्रोग्राम को ढेर सारा शेयर करिए, प्यार दीजिए, अच्छे वाले कमेंट करिए। और वाकई हम चाहते हैं कि जितना आपने प्यार बनाया ना इस प्रोग्राम के लिए, इसी तरह अपना लगातार प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।